जिला एमसीबी के चिरमिरी में मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए परिजन परेशान है। प्राथमिक उपचार भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। युवक 20 वर्ष का मृतक, आपको बता दें शनिवार 7 बजे से उसकी मौत हुई है। वह मृत अवस्था में है लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जिसके चलते परिजन परेशान है। पीड़ित परिवार को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से लाचार है। आपको बता दें कि बड़े बड़े दावे यहां खोखले साबित हुए हैं। चिरमिरी में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। पोस्टमार्टम करने के लिए 3,000 रुपये की मांग की जा रही है। सरकारी संस्था में पोस्टमार्टम प्राइवेट कर्मचारी कर रहे हैं। परिचय देंगे, मेरा नाम है छविलाल, मैं गाड़ापुरा खोड़ी वार्ड नंबर 2 का। यहां आप लोग जो पोस्टमार्टम रूम के सामने एकत्रित हुए हैं, मामला क्या है, किस लिए आप लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं? जी, हमको 2 घंटे वहां हॉस्पिटल में रोका गया, बोले कि आ रहा है वो पोस्टमार्टम करने वाला और आकर के करेगा, डॉक्टर भी आ रहे हैं। 2-2.5 घंटे हम हॉस्पिटल में रुके, वहाँ कोई नहीं आया और 1 घंटा लगभग यहाँ पर हो गया जहाँ पोस्टमार्टम होता है, यहाँ पर भी अभी तक कोई नहीं है। और उसको फ़ोन कर रहे हैं तो वो पैसे का डिमांड कर रहा है, 3,000 रुपये दो मेरे घर में ला करके तब मैं यहाँ से ही लूँगा। हम लोग बोले आइए, आपको कुछ दे रहे हैं, उतना नहीं दे पाएंगे, तो बोले मेरे घर में ला के 3,000 रुपये दोगे तो ही मैं जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। जो मृतक है ये कौन है? ये मृतक मेरा भाई है। आपने उच्च पदाधिकारी से, डॉक्टर से बात नहीं किया? जी, हम लोग डॉक्टर से भी बात किए तो डॉक्टर भी बोले कि रुको रुको बुला रहा हूँ, ऐसे करते करते 3-4 घंटे बीत गए, अभी तक कोई नहीं आ पाया। क्षेत्र के जनता प्रतिनिधि किसी से बात हुई आपकी? जी, विधायक के पीए हैं, क्या है उनसे बात की। क्या बोले? चंदन जी, वो बोले कि थोड़ा सा रुकिए, खाना खा करके बस वो पहुंच रहा है। कितने देर पहले आश्वासन दिया गया था? वो लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए, अभी तक नहीं हो पाया, 1 से 1.5 घंटे हो गए उनसे बात की, बोले तुरंत जा रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं मिला आपको? समस्या का समाधान नहीं हुआ हमारा, और अभी तक होता नहीं दिख रहा है। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? अब जी आगे, अब अगर समय से पोस्टमार्टम नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे? अब नहीं हो पाएगा तो हम वापस लेकर के जाएंगे, क्योंकि आगे भी कुछ कार्रवाई करेंगे आगे। गाड़ी से करके उसे वहाँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में वहाँ बताया कि इसी नाम दर्द तक कोई इसी कि वहाँ से भी, उसके बाद इंजेक्शन लगाए, उसको बेड में लिटाए, पेट में लटते लटते उसको घर पर मूवमेंट लगा दिए कुछ, फिर वहाँ से मेरा घर वाली रोने लगे थे, उठ उसको उठा रहा था और उसको बाहर निकाल के फिर बेड में दूसरे एम्बुलेंस में लेकर वहाँ।